मजा आगे लगे ना जोटाए जग साल बोल वेलकम बैक टू दिसर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती का जो बागान है, चाय के जो बागान है, यहाँ पे हम लोग हैं मौजूद। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ से आप सिनारियो देखें तो कुछ इस तरीके से चाय का बागान है। पूरा ट्रेवल करेंगे चाय बागान को, और तो बने रहे इस ब्लॉग में हमारे साथ। मैं आपका दोस्त नितिन राठौर दिखाता हूँ दार्जिलिंग चाय बागान। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवल करना, और आप देखेंगे कितना खूबसूरत यहाँ पे एक एक इस तरीके से जब आप जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने दूर आपको जाना पड़ेगा। लंबा चौड़ा ही पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, सब चाय की खेती हो रही है। चारों तरफ चाय की खेती। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर रोड पर जब आएंगे तो स्टॉल आपको मिलेंगे लगभग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20-25 स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर दार्जिलिंग की खूबसूरत चाय वहाँ पर पैक करके रख दी जाएगी। और उसका भी नाम दार्जिलिंग की चाय खूबसूरत चाय ऐसे कुछ करके उसकी प्लास्टिक होती है। यहाँ से कुछ चायपत्ती लेकर जाऊँगा और फिर पीने मत आ जाना घर पे भाई। चाय बागान को यहाँ पे जब आके आप चायपत्ती लेंगे तो ये जो है कि मॉल रोड यानी कि जो भी प्रीमियम एरियाज हैं दार्जिलिंग के, वहाँ से यहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट खेती होती है और यहीं पर हर एक चीज़। आप पीछे आप देख रहे हैं मेरे, आपको मैं दिखाऊँ ये व्यू और ये बागान, तो ये चारों तरफ आप देखेंगे तो सारा कुछ बागानी है और सब में चायपत्ती की खेती हो रही है। लेकिन मुश्किल एरिया इतना लंबा चौड़ा है कि अगर मैं पैदल ट्रेवल करना शुरू करूं तो आई थिंक मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ पे घाटियों पे इस तरीके से है कि एक लेयर वाइज ट्रेवल करने में आपको 5 किलोमीटर लग जाएगा। ये एरिया छोटा नहीं है, आप ऐसे ट्रेवल करते करते जिग जैग पाथ ऐसे है कि आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन लेके चलते हैं आपको नीचे की तरफ जहाँ पे कहीं पर समतल ज़मीन है और वहाँ से कुछ बेहतरीन शॉट्स दिखाने को मिलेंगे। आइए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि चायपत्ती के बागान में किस तरीके से यहाँ पर रहना, यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है आपको मैं दिखाऊं। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से इन खूबसूरत चाय बागान के बीच में भी लोग रहते हैं, और एक घर का नमूना जो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन लगेगा, कितना मनोरम दृश्य है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे होते हुए। मोस्टली जो अपने एरिया में चाय मिलते हैं और यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय मिलती है तो वहाँ पर मिलावट का कुछ एसेंस होता है यहाँ के लोग से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ओरिजिनल चाय पत्ती मिलेगी वो थोड़ा सा वहाँ की अपेक्षा महंगा लगेगा आपको, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो आपको टायराती रियल गोल्ड सबकी पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने पी नहीं है, जाके पीता हूँ उसे और फिर उसके बाद बताता हूँ कि टाटा टी अच्छा है कि दार्जिलिंग की लोकल चाय। एक बेहतरीन नज़ारा दिखाओ यहाँ की लोकल बस्ती में लोग किस तरीके से रहते हैं, और चाय की खेती के बीच ये लोकल लाइफ जनजीवन और ये चाय पत्ती की खेती, कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नज़ारा है चाय बागान की खूबसूरती को मैं दिखा रहा था आपको। यहाँ से अब लेके चलते हैं आपको ऊपर जहाँ से आप चाय पत्ती खरीद सकते हैं, तो लेके चलते हैं उनके पास। और ये जो बेहतरीन हिस्सा था यहाँ पे जो भी एक्सप्लोर करना था मैंने किया चाय बागान में आके एक, और ऊपर चलते हैं अब और वहाँ से उनसे आके पूछते हैं कि कितने रुपए में आप देते हैं चाय पत्ती, और चाय पत्ती का जो रेट है जनरल वो कितने रुपए केजी से स्टार्ट होता है, क्या क्या वैरायटी है, सब पे करते हैं उनसे ऊपर जाके बात। हाँ अच्छा, तो वॉशिंग मशीन आपका या इधर? अच्छा, दुकान का जो सामान है वो है। तो इधर इतने ऊंचाई पे है, कभी कहीं भी आप लोग को जाना पड़ता होगा तो यार बहुत ट्रेवल करना पड़ता होगा इतने ऊंचाई पे। लगभग जैसे किलोमीटर में देखे तो 1-2 किलोमीटर पड़ जाता होगा ये ऊपर नीचे करते हुए। 500 मीटर मीटर नहीं किलोमीटर। हाँ ज़्यादा है उससे, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा भी है नहीं? अच्छा पता नहीं चलता, इतना नहीं पड़ेगा सीधा जाने पे, लेकिन मोस्टली इतना दूर है इसलिए जिगजैग रास्ता, इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे घर बनाना कितना मुश्किल है, सारा सामान लाना बहुत मुश्किल है ना। घर
सिंगड़ी से जितना गाड़ी भरा आता है उतना हेड लोड है। अच्छा, हेड लोड ऊपर से नीचे लाने का। अच्छा, मतलब सिलीगुड़ी से सामान यहाँ पे आने में जितना पैसा लगता है? 6000 सिलीगुड़ी से ऊपर तक 6000 लेगा गाड़ी भाड़ा। ठीक ठीक ठीक, वो हेड लोड लेगा 8000। अच्छा, ये सिर्फ अगर आपका कोई सामान सिलीगुड़ी से आता है यहाँ पे टाउन में घर के पास तक तो 6000 रुपये, और इस ऊंचाई से नीचे उतारने का अलग, वो हेड लोड जो होता है वो लगभग 8000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। 8000-10000। मतलब कि आप मानिए कि यहाँ पे घर बनाना जो है आम शहर की अपेक्षा देखूँ तो दोगुना पैसा खर्च होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेवल चार्जेज हैं वो आपका बहुत कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हेड लोड चार्ज जितना है जो सामान के कैरी करने का जो रेट है उससे दोगुना है। यहाँ पे खूबसूरत वादी तो है लेकिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? हाँ। लगभग टाइम बरसात का मौसम रहता है? हाँ। बरसात में तो बहुत दिक्कत होता है, और ये तो अभी नॉर्मल दिन है, बरसात के दिन में तो और ज़्यादा परेशानी होता होगा। हाँ, हमेशा हमेशा मतलब कोई 12 महीने में तो 6-7 महीने से ठंडा ही होता। कोई ऐसा मौसम आता है जिसमें आप टी शर्ट पहन के घूम सके? कभी कभी आता है जब गर्मी बढ़ जाए, और जून जुलाई में टी शर्ट पहन के घूमने वाला मौसम हो जाता है? नहीं, जून जुलाई और अक्टूबर से ठंडा चल जाएगा, फिर ठंड चालू हो जाता है। तो भाई साहब थे, इनसे करिए बातें और इतने ऊपर आ गए, थक गए हैं। अब चलिए लेके चलते हैं मेन रोड पे, और वहाँ पे पूछते हैं चाय पत्ती का रेट। तो ये मोस्टली अब यहाँ से निकल रहे हैं, चाय बगान का जो ब्लॉग है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चाय जो मिलती है ये प्योर दार्जिलिंग की जो टी है, ये जो ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी कितने रुपए का पड़ता है लगभग? ये 200 रुपये का 250 ग्राम है, यानी कि 800 रुपये केजी पड़ता है ये। और ये जो नॉर्मल चाय मिल्क टी है ये कितने रुपये का पड़ता है? और ये 600 रुपीज़ पर केजी आपको मिल्क टी पड़ता है, और ग्रीन टी जो है ये पड़ता है आपको 800 रुपये केजी, राइट। और ये मसाला टी वगैरह इन सब का क्या रेट? 150 रुपये 100 ग्राम, यानी कि 1500 रुपये केजी आपको मसाला टी का जो है बॉक्स पड़ेगा। तो ये काउंटर नंबर 17 है, तो जब भी आप इस एरिया में गुजरिए तो काउंटर नंबर 17 से जरूर लीजिए। काफ़ी अच्छा मोमोज भी मिलता है यहाँ पर, और चाय भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है। तो चलिए इस ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछें इंस्टाग्राम पे। तो दार्जिलिंग का ये चाय ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद।